Have a lovely good morning to all my students. I'm Kiran Vyath, your English teacher. Welcome back to my English language session. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 17. So open your Grammar Cloud books and open chapter number 17, that is Comparison of Adjectives. In our previous video, we learned about adjectives. गेन आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव लाइक अ हैप्पी बॉय एन एक्साइटेड बॉय एंड एफरेट बॉय हे आर हैप्पी एक्साइटेड एंड एफरेड आर एडजेक्टिव अगेन आई एम गिविंग यू डेफिशन ऑफ एडजेक्टिव दैट इज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दट डिस्क्राइब्स अर प्रोनाउन पिछले हमने पीपीटी में भी पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो कंपेरिजन इनका कैसे होता है पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हेर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज दैट इज पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एबजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग और पर्सन इट सिंपलीफाईड डिस्क्राइब द एग्जिटेंस ऑफ अ क्वालिटी ये सिंपली एक क्वालिटी डिस्क्राइब करती है लाइक रू डी इज अ टॉल बॉय उसकी क्वालिटी क्या है वो टॉल है नेक्स्ट है कंपेरेटिव द कंपेरेटिव डिग्री इसके नेम से ही ये हमें एक्सप्लेन हो रहा है कि कंपेरेटिव डिग्री जो होती है वो किसी चीज़ को कंपेयर करती है इसमें दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है रॉनी इज़ अ टॉलर देन रूडी अब ये पहले में सिर्फ रूडी की बात हो रही थी तो वो टॉल था अब इनमें बताया गया जो रॉनी है वो उससे ज़्यादा लंबा है तो टॉलर आ गया इसकी सिकिड फॉर्म नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स इसमें एक चीज को दो से ज्यादा दो से या दो से ज्यादा के साथ कंपेयर किया जाता है लाइक अजय इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज तीनों में से अजय सबसे टॉल है ओके okay? फॉर्मेशन कैसे होती है पॉजिटिव डिग्री ब्राइट कंपेरेटिव में हम ब्राइट के साथ ई ER आर एड कर देंगे और सुपरलेटिव में हम उसके साथ ब्राइट के साथ ई एस टी एड कर देंगे तो इट विल बिकम ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट कुछ भी नहीं करना इट्स वेरी इजी पॉजिटिव सेम एज इट इज आपको ऐसे ही पॉजिटिव आपको दी जाएगी वहां पे आप उसको ऐसे ही लिख के पीछे ई ER आर और ई एस टी एड कर देंगे नेक्स्ट इफ अ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई एंड वाई हैज अ अंसोनेंट बिफोर इट जैसे कि हमने पहले नाउन्स में भी पढ़ा था अगर वाई के साथ हमारा नाउन फिनिश होता है और वाई के आगे कॉन्सोनेंट है आपको पता है वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं तो जी जो है जेड जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है तो फिर हम वाई को कट करके उसकी जगह आई लगाते हैं बाकी सेम ही रहेगा ई आर और ई एस टी आपको ऐड करना है बट वाई के पीछे नहीं वाई को कट करना है ओके बट इफ़ जो आपका वाई है वो वॉवल के साथ फिनिश होता है वाई के आगे वॉवल होता है ए होता है ई e होता है आई होता है ओ होता है या फिर यू होता है लाइक like, ग्रे में वाई से पहले वॉवल है तो वी विल नॉट कट द वर्ड वाई हम ये एज इट इज रहेगा बस इसके पीछे ईयर ER और ई एस टी जैसे हमने पिछले में ऐड किया था वो हम ऐड कर देंगे ओके नेक्स्ट अ ट्री इज टॉलर दैन अ ब्रश द इज लॉन्गर दैन अ पेन अब ट्री और ब्रश दो चीज़ों का कंपैरिजन था तो हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई अगर मोर देन वन से वन या टू हो तो फिर हम क्या करते हैं सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं लाइक like, यहाँ पे एरोप्लेन और एप्पल को एक्सप्लेन किया है कार और साइकिल के बीच में कंपैरिजन किया है हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के बीच में करा है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेंगी नेक्स्ट है पार्ट ए टिक द करेक्ट वर्ड विद इन द ब्रैकेट द रोप इज़ डैश दैन द बेल्ट अब कितनी चीज़ों को कंपेयर किया है सिर्फ दो तो इसमें क्या आएगी ई ER आर वाली आएगी द रोप इज़ लॉन्गर और शॉर्टर रॉप जो है वो बेल्ट से लंबी होती है छोटी होती है तो रॉप जो है वो लॉन्गर होती है अ फुटबॉल इज स्मॉलर और बिगर देन अ क्रिकेट बॉल क्वाइट ऑब्वियस आपके सामने ही है बॉल छोटी होती है बॉल छोटी होती है और फुटबॉल जो है वो बिग होता है तो बिगर आएगा ऐसे ही आपको बाकी करने हैं नेक्स्ट आपको सिर्फ इनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है बाय एडिंग ई आर और ई एस टी एंड वन मोर थिंग अगर आपका जो वर्ड है वो ई e से ही फिनिश हो रहा है तो आप डबल ई e नहीं लगाओगे आप फिर से उसके पीछे ई e, आर और ई एस टी नहीं लगाओगे फिर आप कंपेरेटिव में उसके पीछे सिर्फ आर ऐड करोगे और जो सुपरलेटिव है उसमें सिर्फ उसके पीछे एस टी ऐड करोगे वो जो ई e आपने ऐड करनी थी वो आप कट कर दोगे लाइक लार्ज लार्जर में सिर्फ ई e, आर आएगा डबल ई आर नहीं आएगा डबल ई एस टी नहीं आएगा कीप इट इन योर माइंड ऐसे ही क्यूट में भी ई e, आर और ई एस टी आएगा दो बार ई नहीं आएगी नेक्स्ट वी विल डू इन आर नेक्स्ट सेशन टिल देन बाय टेक केयर कीप प्रैक्टिसिंग